ये नर्सरी हम लोग राय के लगाए थे, अच्छा ये कितना दिनों का नर्सरी है? 12 दिन का ये अच्छा नर्सरी अच्छा है। ये 12 दिन का है। हाँ 12 दिन का ये नर्सरी है। 2 घंटा पहले हम पटाए थे झरना से। दीदी 2 घंटा पहले पटाए हैं, इसका कोई कारण होगा? इसका कारण ये है कि इसको खेत में ले जाने के लिए मट्टी सहित, माने जड़ 2 इंच जड़ नीचे से कवारते हैं, अच्छा मिट्टी सहित होना सहित चाहिए थी। ले जाकर खेत में लगाते हैं हम लोग, इसलिए 2 घंटा पहले पटाते हैं, तो मिट्टी सहित कवारता है एकदम नीचे से। देखिए भैया इसको मट्टी सहित देखिए निकाल के रखते हैं थारी में हम लोग। दीदी ये मिट्टी सहित क्यों कबाड़ रहे हैं? मिट्टी सहित इसलिए कबाड़ते हैं, इसको जड़ नहीं टूटता है, खेत में जाके तुरंत आसान से लग जाता है। भैया एक बात का ध्यान रखिएगा कि पौधा आधा घंटा के बाद, आधा घंटा में रोपाई कर दीजिएगा। देखिए भैया सिर विधि राय की खेती के लिए तैयार करके खेत सब कुछ हम रखे हैं। लाइन को पहले सीधा करने के लिए एक रस्सी तान देते हैं, उसमें 3-3 फीट पर एक फुदना बांध देते हैं, और पौधा से पौधा की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट पर लगाते हैं। एक गड्ढा 8 से 10 इंच गड्ढा है, इसमें जैविक खाद हम डालते हैं। हम 1 कट्ठा में 15 किलो का जैविक खाद डालते हैं। गड्ढा में पानी डाल रहे हैं, देखिए इसको रोप के दिखाते हैं, देखिए पेड़ को रोपते हैं, देखिए पौधा ये रोप के रहे हैं, देखिए भैया इसको कड़ी धूप में नहीं रोपना चाहिए। कड़ी धूप में क्यों नहीं रोपना चाहिए? कड़ी धूप में रोपने से ये सूख जाएगी।